happiness and lifestyle. And in that, we discuss about the two components, that is strength, endurance, and we were about to start the third component, that was speed. उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि स्पीड के पांच जो टाइप्स हैं, ठीक है? हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ किया है. स्ट्रेंथ के जो हैं वो कितने पार्ट्स हैं बेटा? स्ट्रेंथ के कितने पार्ट हैं? कैन एनीवन टेल द टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ? एनीवन ऑफ मैम, टू टाइप्स. यस बेटा, टू टाइप्स. कौन कौन सी है बच्चे? मैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक. यस, डायनेमिक एंड स्टैटिक. फिर फर्दर डायनेमिक के जो है वो कितने पार्ट्स है बेटा? डायनेमिक के फिर फर्दर कितने पार्ट्स है? दैट इज थ्री पार्ट्स. थ्री मैक्सिमल है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दिया था. उसके बाद हमने किया था एंड्योरेंस का. एंड्योरेंस के कितने टाइप्स है बेटा? एंड्योरेंस ऑफ टू टाइप्स बेटा, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. शॉर्ट टर्म में क्या है, फोर्स अप्लाइड जो है वो उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और ये थोड़े ही टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट को देने के लिए रेडी होते हैं. इज इट क्लियर बेटा? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट स्पीड. The ability to do the work continuously, ठीक है ना? A series of work in a minimum time, completing the work, maximum work in a minimum time जो है, या short interval में maximum distance cover करना, कुछ भी जो है उसे हम क्या कहते हैं? Speed. अब speed के हमने कहा था कि 5 parts होते हैं बेटा, like ठीक है, पहला पार्ट है हमारा एल से लोकोमोटर एबिलिटी. अब इसमें क्या होता है, लोकोमोटर एबिलिटी में क्या होगा बेटे? कैन एनीवन टेल हु इज दिस मिस्टर साइपिक? हाँ, कौन अननेसेसरी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? Who's there? Can anyone tell beta, locomotive mein kya hota hai beta? लोकोमोटिव का मतलब पता है? कभी सुना है बच्चे कि नहीं सुना? लोकोमोशन क्या होती है बेटे? ऐसे मत बैठा करो, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का. अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैडम को बता दो. इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड जो है उसको स्पीड पे हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पार्ट है उसका, जो ये पार्ट है वो है लोकोमोटिव. इसमें क्या है बेटा, एक मिनट विशाल अंकल को बुलाना, ये हट के नहीं रहा है. एनीवन बेटा, बेटा देखिए क्या आ रहे हैं, थोड़ा अनरिमूव कर. मैं पहले भी तो आया हटा ही नहीं, मैं बहुत सा लिखा. चलो नहीं, बच्चे अच्छे कह रहे हैं.
अब लोकोमोटिव में क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेगा. इट इज द एबिलिटी, ठीक है ना, मेंटेन द एबिलिटी ऑफ अ मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा हम स्पीड को, फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस स्पीड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन. सेकेंड है एक्सिलरेशन. एक्सिलरेटर के बारे में तो बॉयज को बहुत अच्छा से पता होगा. क्या होता है एक्सिलरेशन? है, हाँ, स्पीड देनी. कब देते हैं हम स्पीड ज्यादा? जब या तो स्टैटिक पोजीशन में हो गाड़ी, या बड़ी स्लो स्पीड से चल रही हो, तो क्या कहते हैं, जरा एक्सेलरेटर दबा दे. इसका मतलब टू एट अ मैक्सिमम एक्सटेंट जो है वो स्पीड को कवर से डिस्टेंस को कवर करो, उसे हम किस में लाते हैं, एक्सेलरेशन एबिलिटी. अब इसमें क्या होता है बेटे, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है ना, 400 मीटर 800 मीटर, उसमें अपने टोटल स्पीड जो है हम एक स्प्रिंट के जैसे नहीं खत्म करते, हम उसमें पहले जॉगिंग या थोड़ा स्लो करके फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, और एंड मूवमेंट के लिए हमारी पूरी जो रिजर्व स्पीड है हम उसे छोड़ देते हैं, टू कवर द डिस्टेंस एंड टू विन द रेस. आज सुबह का ओलंपिक देखा है बेटे, या देख रहे हो जो इवेंट्स हो रहे हैं ओलंपिक के? आज हीट्स थे, हीट्स बताए ना आपको क्या होते हैं, पता है ना आपको, एथलेटिक्स में आपको हीट्स बताए थे कि क्या होते हैं, ठीक है. तो हीट क्या होता है, व्हेन सो मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, और तुम्हें पता है कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रैक होते हैं उसमें हम कितने 8 या 9 लेन्स होती हैं, तो इसका मतलब अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसमें क्या किया जाता है बेटे, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी रेस करवाई जाती है, उनमें से हम बेस्ट निकाल लेते हैं. सपोज वी आर हैविंग 32 और 24, एज आई गिव यू द आंसर अर्लियर दिस एग्जाम्पल, कि हमारे पास बहुत सारे अगर हैं तो हम उनके राउंड्स या हीट या प्रिलिमिनरी राउंड्स वगैरह लगा देते हैं, उनमें से बेस्ट निकाल लेते हैं, फिर उन बेस्ट में से रेस होती है. और आज हीट नंबर 4 थी, सुबह मॉर्निंग में 7:10-15 पर चल रहा था, ठीक है. दूती चंद जो है 200 मीटर वीमेंस में, वो फोर्थ जो है हीट में थी, एंड शी वॉज द लास्ट. क्यों? स्पीड को और डिस्टेंस को हमने किस तरीके से कवर करना है विद द कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट, ये बहुत ही जरूरी है. फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का चैप्टर ही इससे, ठीक है. कल का मैच देखा, हॉकी मैच, आफ्टर 49 इयर्स जो है सेमीफाइनल में हॉकी की टीम हमारी एंटर हुई है. ये तो बेटे करंट है न्यूज ओलंपिक के, और इनके बारे में तुम्हें पता होना बहुत ही जरूरी है. इट्स अटमोस्ट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. समझ में आ गया बेटे इसके बारे में. नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड मूवमेंट. या कहीं कहीं पर इसे हम मूवमेंट एबिलिटी भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है ना. स्पीड मूवमेंट बोल लो, उसे मूवमेंट एबिलिटी बोल लो, वन एंड द सेम थिंग. जहां पर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आवर मसल्स जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड के लिए हम खींचते हैं, वहां पर हम उसे कहते हैं स्पीड मूवमेंट. क्योंकि आज अगर आपने रेस देखी होती तो यू कैन सी कि उसका जब दोबारा रीप्ले दिखा रहे थे ना, तो उसमें दिखा रहे थे हाउ दे आर कंप्लीटिंग द एंड हाउ दे आर रीचिंग टूवर्ड्स द गोल. उनके पैरों का, ठीक है, डिस्टेंस जो था, उनकी शॉट्स जो थी, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थी, उनका देखने लायक मूवमेंट था, दैट वॉज अ स्पीड मूवमेंट. लेकिन अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, क्योंकि तुमने, तुम्हें से एक भी बच्चे ने अगर वो देखा होता तो यू कैन जज कि उनके पैरों का डिस्टेंस, उनकी बैक तक नी का बेंड होना और स्टेप को फर्दर मूव करना कितना जरूरी और कितना वो था कि उसने रेस को उन्होंने जीता था, ठीक है ना. ये बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें नहीं है तो आज शायद क्लिपिंग्स वगैरह आ रही होंगी या न्यूज में सारा दिन चलती रहती है, तो यू कैन सी दिस थिंग्स कि ये कैसे होता है. अब है
स्पीड एंडोरेंस। कॉन्टिन्यूशन में अपनी स्पीड को भी बनाए रखना और उसे पूरा करना, वो किसके अंडर आता है बेटा? दैट कम्स अंडर द स्पीड एंडोरेंस। What is the definition of endurance? Doing the continuous work under the condition of fatigue also. ठीक है ना? Speed endurance क्या है? जैसे 800 मीटर की 1500 मीटर की रेस जो हम करते हैं, उसके अंदर ये आता है। Next is reactive या reaction ability. Respond कैसे करना है? यही होता है ना, रिस्पॉन्ड करना है, स्टिमुलेट करना है मूवमेंट को, वो किसके अंडर लाते हैं? वो रिएक्शन एबिलिटी के अंदर आता है हमारा। क्लियर हो गया बेटे? फाइव जो हमारे स्पीड के पार्ट्स हैं वो ये हैं। वैसे हर एक एक्टिविटी में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये जरूरी नहीं है बेटा कि आपने बोलो मैडम ये एग्जाम्पल तो इसमें था, इसमें दूसरे में क्यों है, इंटरमिंगल है। हर एक में मैक्सिमम जो है एक्टिविटीज वो काउंट होती है। अगर कल आपने स्विमिंग का देखा हो तो सुबह भी आ रहा था स्विमिंग का, अगर वो एक्टिविटी देखी है किसी ने भी तो यू कैन सी कि डिस्टेंस को कवर करना, स्पीड और हमारी रिएक्शन एबिलिटी प्लस मूवमेंट्स जो हैं वो कैसे थे। ठीक है ना? दैट वॉज 1500 मीटर की रेस थी जो लगाई गई थी, मेंस की देखी थी। ठीक है ना बेटा? ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आजकल कितना टाइम होता है देख लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस। नहीं तो स्लाइड बनाकर तो तुम्हें दिखा दी जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो। आजकल तो वो लाइव चल रही है चीजें, उसे ज्यादा बेटर ढंग से हम दे सकते हैं। ऐसे ही एंडोरेंस का है, एंडोरेंस हॉकी में, हैंडबॉल में। ठीक है, वॉलीबॉल का देखना था मैच, उसमें कितना अच्छा उन्होंने दिखाया, ओनली ब्लॉकिंग एट द नेट था। या फिर हम एंडोरेंस का देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल जो है ताइपे का बैडमिंटन में, पीवी के साथ है ना, जो कि उसके साथ किया। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हमारे जॉइंट्स की एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स जो हैं उसका एक्सटेंडेड कितने तक हम कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द फ्लेक्सिबिलिटी। टर्निंग ये फ्लेक्सिबिलिटी है, रेज हैंड, रोटेशन ऑफ हैंड, एक्सटेंशन ऑफ हैंड, लेग्स सीलिंग करनी, जैसे सिखाते हैं ना 180 डिग्री के लेग्स को खोल लेना या अपवर्ड करना, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमेशा बोला जाता है आपको कि बेटे बिफोर एनी एक्टिविटी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी प्लीज डू सम वार्मिंग अप एक्सरसाइज। What is the reason behind that? To increase the flexibility of a person. वो कैसे है? क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं या कोई भी जॉगिंग एक्टिविटी करते हैं, हमारी कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाते हैं, जो मसल्स और ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में जो है टू हार्ट लंग्स वगैरह इजिली पहुंच जाता है, हमें थकान नहीं होती है और हमारी बॉडी जो है वो लचीली बन जाती है, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, एंड वी कैन डू द वर्क इन अ वेरी इजी मैनर। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है बेटे, कोई बता सकेगा? एनी वन ऑफ यू, फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है बच्चे? आज उदय भी नहीं आया, मुझे उसके अटेंडेंस नहीं दिख रही। मैम टू टाइप्स की होती है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाउ मेनी टाइप? टू टाइप, पैसिव। पैसिव के साथ क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, जिमनास्टिक जो है, वैसे तो एग्जाम्पल हर चीज की है, जो भी गेम्स हैं उसमें ये कॉम्पोनेंट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आएगी, लेकिन जब हम किसी एक्सटर्नल की हेल्प के साथ कोई स्ट्रेचिंग वर्क करते हैं,
दैट कम्स अंडर द पैसिव इन अ स्टैटिक पोजिशन. ठीक है, मैंने लेग्स या आपने जिम जो बच्चे जाते हैं स्टैटिक में, वो आपसे जो एक्सरसाइज उसके साथ एक फोर्स या कोई पर्सन होता है या सपोर्ट होती है किसी ना किसी चीज की. जब हम देखते हैं, हां जी बच्चे, यस एनीवन, एनी प्रॉब्लम मेरा. एक्टिव में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, और उसके बाद हम जिम्नास्टिक में देखते हैं समर सॉल्टिंग करते हुए लैंडिंग पोजीशन में नीचे आना. वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी रोटेट हो रही है और उसके बाद नीचे आ रही है और उसके बाद बैलेंस हम खड़े होते हैं अगर, ठीक है ना. वो किसके अंदर आता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में, ठीक है ना. वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी बात समझ में आ गई. एक्सटर्नल हेल्प के साथ करना और विदाउट द, कभी कभी होता है कि उसमें भी हमें जरूरत, लेकिन हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो है वो मैक्सिमम रहती हैं इन ए प्रॉपर मैनर, उसे हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. आपने देखा होगा कि फ्लोरिंग जितनी भी एक्सरसाइजेस जिमनास्टिक होती हैं उसमें सिटिंग करके हैंड की मूवमेंट से बॉल्स या ड्रिबलिंग से या कुछ भी करवाते हैं रिजल्ट पे, लेकिन जहाँ पर रोमन वाला होता है रिंग्स है वहां पर रोटेशन जो है वो साथ साथ में होनी एक्टिव वे में करवाया जाता है. इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, दिस मच इज क्लियर टू यू, शुड आई मूव फॉरवर्ड. अब इसका लास्ट जो है दैट इज अ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. इन सबके कोऑर्डिनेशन को रिलेशन को हम कैसे मेंटेन कर सके, ये बहुत ही जरूरी है. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है बच्चे, वर्ड सुना है वैसे. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, उस ताल में. एग्जैक्टली, बॉडी के हर पार्ट का, होल बॉडी. आपने कभी रेसलिंग या बॉक्सिंग देखी है, एरिया फिक्स है, शॉट देकर पूरे मेंटेनेंस के साथ नीचे पर्सन को गिराना, वो क्या है, वो हमारा तालमेल. ऐसे ही कंबैटिव में आता है वो एबिलिटी में, कॉम्बिनेशन एबिलिटी. ऐसे ही हमने रेसलिंग में देखा होगा, सॉरी उसमें बॉक्सिंग में भी देखा होगा, ठीक है, पूरे फोर्स के साथ जब हमने एक्शन करना और उसे दूसरे अपने कंपोनेंट को गिराना है, वो कैसे करना है या हराना है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, कंबैटिव या कोऑर्डिनेटिव, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटरी एबिलिटी के अंदर आती है कि हमने किस तरीके से टैक लेना है. और गेम्स क्या जिंदगी के हर उसमें होता है कि टैक्स और टेक्निक में फर्क होता है. टेक्निक जो हम यूज करते हैं, मैंने ऐसे पकड़ के, आपने कलाबाजी या देखा होगा कि एग्जाम्पल अगर दंगल मूवी देखी हो उसमें स्किल्स और टेक्निक्स जो है वो कैसे सिखाई जाती हैं गर्ल्स उसको, प्लेयर को, और ऑन द स्पॉट अपने मूवमेंट को चेंज करके दूसरे वे से लेना, दैट इज टेक. अपने को कैसे बचाना है, अपने मूवमेंट्स को कैसे सेव रखना है, वो टेक्स होता है. टेक्स और टेक्निक हमेशा एक साथ वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब यही होता है तुम्हारी पर्टिकुलर टेक्निक्स क्या है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस अगर हम उसे चेंज कर लेते हैं वो टेक्स होते हैं, तरीके होते हैं कि मैंने इसको कैसे करना है. इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे, अगर नहीं होती है तो पूछ लो, हो गई. अब रिएक्शन है, क्लोज ही है वर्ड्स जो है उनका है. रिएक्शन मतलब है, आपने वैसे भी सुना ही होगा रिएक्शन क्या होता है, एक्शन के साथ रिएक्शन होता है. मुझे अगर पता है कि इसने आके मेरे टांग को पकड़ना है और मेरा रिस्पॉन्स क्यूमुलेट जरूरी मेरे मूवमेंट्स हैं कि मैंने अपने लेग को हटा लूं या अपने हैंड के मूवमेंट्स को हटा लूं, दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन. या मुझे पता है कि मेरे ओपोनेंट ने यहां से हिट करना है, इससे पहले मैं उसे रिस्पॉन्ड कर दूं, ठीक है, that is called the reaction. इतने क्लियर होगी बेटा. एडेप्टेशन क्या होती है, अभी जो वर्ड मैंने आपको टेक्स्ट बताया है,
ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेना, एडॉप्ट कर लेना, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, मेरी रूटीन है और मुझे पता है कि यहाँ यहाँ चल रहा है, और ये भी पता है कि अब मुझे स्मैश आने वाली है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, इमीडिएट आई कैन चेंज माई पोजिशन एंड आई कैन अंडर, अगर मैं अपर हैंड खेलने वाली तो मैं अंडर हैंड में, ठीक है, एडेप्टेशन, अपनी स्किल्स को छोड़कर मैं दूसरे में ऐसा कर जाऊं ताकि मैं उसको परफेक्टली काम कर सकूं, कॉल्ड एडेप्टेशन, किसी चीज को एडॉप्ट करने का। हम करते हैं ना, एडॉप्ट करते हैं तभी एनवायरमेंट के साथ एडॉप्शन हमारी है, तभी तो हम सक्सेसफुल होते हैं या इजी या काम रहते हैं। जो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं दे आर ऑलवेज रेस्टलेस, या प्रॉब्लम में रहते हैं या इरिटेबल रहते हैं, ठीक है ना, इरिटेशन उनको रहती है। रीजन व्हेन दे आर हार्ड इन एक्सेप्टिंग और अडॉप्टिंग समथिंग, ठीक है ना, ये फर्क है। गेम में भी ऐसा ही है, हमें ये नहीं है कि हमारे कोच ने हमें सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि हालात या टेक्निक तब चेंज होती है दूसरे की, हमें पता नहीं सर्कमस्टेंसेस, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंजेस को अडॉप्ट करके गेम को खेलना, या आंसर जैसे क्वेश्चन कोई है देते हैं ना, उसके व्यू को समझना और उसके बाद आंसर को लिखना, दैट इज ऑल्सो कंसर्न्ड अडॉप्टेशन। चेंज कैसे किया है, क्वेश्चन है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किसका आंसर कैसा रहेगा, ये किसके अंदर आता है, ये आता है एडेप्टेशन। अब है डिफरेंशिएशन बेटा, हर एक का सेम नहीं होता है, ना बॉडी स्ट्रक्चर, ना मसल्स, ना मास, ना कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जेनेटिकली या हेरिडिटरी होता है लो ट्विच एंड हाई ट्विच मसल्स, या हम कह सकते हैं स्लो ट्विच है या वाइट एंड रेड ट्विच मसल्स है, ये है वर्किंग हर एक की जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है काफी हद तक, ठीक है। लो ट्विच वाले जो पर्सन होते हैं वो काम को स्लो करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, थकान एंडोरेंस पावर उनकी ज्यादा होती है। हाई ट्विच या फास्ट ट्विच वालों का क्या होता है बेटा, उनका काम होता है मैं फटाफट कर दूं खत्म करने का, या एक काम को ज्यादा देर तक वो नहीं कर पाते, स्पीड होती है लेकिन एंडोरेंस जो है वो कम होती है, या कुछ है, या वो इतनी देर तक सीटिंग नहीं, वो एंडोरेंस ही होगी ना एक तरीके से, कंटिन्यू सीटिंग करके काम को ना करना। उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो है मोटर और सेंसरी का जो है वो नर्वस का वो प्रॉपर ना होने के कारण कटिंग्स वगैरह ज्यादा करते हैं, क्योंकि हैंड की मूवमेंट और ब्रेन की मूवमेंट जो है वो एक साथ कई बार तालमेल नहीं खाती है, जिसके कारण ये काम होता है, ठीक है ना बेटा। डिफरेंशिएशन ऐसे होती हैं जिनमें हम चेक करते हैं कि वर्क को किस तरीके से करते हैं। क्लैरिटी होगी बेटा। रिदमिक एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी क्या होती है, हम कहते हैं मुझे डांस नहीं आता, या मैं डांस नहीं कर सकती, मैं एरोबिक्स नहीं कर सकती, व्हाट इज द रीजन। रिदमिक तुम्हारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी है एंड योर कोऑर्डिनेशन विद द अदर मेंबर्स। सॉन्ग के साथ गाने को गाना, सॉरी डांस को करना, ग्रुप के साथ करना, ये क्या चीज है, ये रिदम में है। ये म्यूजिक होगा तो हमारे स्टेप की टैपिंग कैसी होनी चाहिए, हैंड की टैपिंग या मूवमेंट की या कुछ है, ये क्या है, रिदम्स है। ये एबिलिटी भी ताकि हम दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सके और वर्क को स्मूथली भी कर सके और टाइम भी दे सके, ये किसके अंदर आता है बेटा, ये रिदमिक एबिलिटी। जैसे कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस स्कूल में करवाई जाती है ना, मॉर्निंग के टाइम में जो आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, ड्रम बीट के साथ है वो, उसके साथ स्पीकिंग होती है टीचर की, काउंटिंग बाय काउंट या जैसे भी है, हमने उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या परफेक्शन है। अगर वन पे हमने हैंड रेस फॉरवर्ड करनी है तो क्या हम कर पा रहे हैं स्ट्रेट, अंगूठा तो नहीं हमारा या ऐसे तो नहीं है, हमारी परफेक्शन है या नहीं है, या अपवर्ड सेकंड पे जाता है या हम नीचे हैंड्स कर लेते हैं या फॉरवर्ड या टर्न करते हैं, ये क्या है, ये प्रॉपरली कंसेंट्रेशन नहीं है, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। कितनी बात समझ में आ गई बेटा। नाउ नेक्स्ट थिंग होती है जो फिटनेस में एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बॉडी कंपोजिशन। कभी सुना है बॉडी कंपोजिशन क्या चीज होती है,
कभी इस चीज के बारे में ध्यान दिया है? चलो, कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी, किसी को पता है क्या होती है? अंदाजा लगाओ, कार्डियो किससे रिलेटेड है? कार्डियक किससे रिलेटेड है? हार्ट, हार्ट, लंग, वास्कुलर सिस्टम जो है, ये तीन चीजें जो है इनकी वर्किंग जो है जब बिल्कुल स्मूथ होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन में रिच ब्लड, जो रिच ऑक्सीजन ब्लड जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ आवर हार्ट लंग्स जो है वो सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है, और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसे क्या है, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करने में विद ऑक्सीजन हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी। नॉर्मली अगर हम क्या करते हैं, दौड़ना, बेटे वहां तक भाग के आओ, सांस खुली होती है, कभी ऐसे करते हैं। और अगर हम ट्रेन एथलीट को देखें, उसे जितनी मर्जी रनिंग करवा लें, नॉर्मल रनिंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज ऑफ द हैबिट एंड द प्रैक्टिस। उसका हार्ट की फंक्शनिंग एफिशिएंसी का बढ़ना, उसके बाद उसके लंग्स की फंक्शनिंग का बढ़ना, मसल में सर्कुलेटरी सिस्टम का अच्छे से वर्क करना जो है वो उसे फटीक नहीं देता, उसके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात।